हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस अवर थर्ड चैप्टर ऑफ साइंस फॉर क्लास सिक्स्थ. चैप्टर नेम इज क्लॉथ मटेरियल फाइबर टू फैब्रिक. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ मटेरियल एंड अबाउट कॉटन एंड जूट प्लांट फाइबर एंड टाइप ऑफ सॉइल रिक्वायर्ड फॉर देयर ग्रोथ. एंड वी विल ऑल्सो स्टडी अबाउट द डिवेलपमेंट ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल. लेट अस स्टार्ट. Know these points before you start. The material which we use for clothing is called a fabric. देखो कपड़ा बनाने के लिए जो सामान चाहिए होता है उसे क्या बोलते हैं fabric. Early men used big leaves of trees or skin and fur of animals to cover their bodies. पहले ज़माने में क्या होता था जो लोग थे वो अपनी बॉडी को कैसे कवर करते थे पत्तों से कवर करते थे. All fabric are made of loose thread called yarn. जो थ्रेड से ये फैब्रिक बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं यार्न. यार्न आर मेड अप ऑफ वेरी थिन स्ट्रैंड कॉल्ड फाइबर. उसे क्या बोलते हैं फाइबर. वूल सिल्क कॉटन एंड जूट आर नेचुरल फाइबर बिकॉज दे कम फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स. इन्हें नेचुरल क्यों बोलते हैं क्योंकि ये कहाँ कहाँ से मिलते हैं हमें प्लांट से और एनिमल से. नाइलॉन रेयन एंड पॉलिएस्टर आर मैनमेड फाइबर. इन्हें मैनमेड क्यों कहा गया है क्योंकि ये हमें नेचर से नहीं मिलते इन्हें मैन बनाता है तो इन्हें क्या कहा गया है मैनमेड. द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम सीड इज कॉल्ड गिनिंग. अब देखो कॉटन को उसके बीज से अलग करना उसे बोलते हैं गिनिंग. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर धागा बनाना फाइबर से उसे क्या बोलते हैं स्पिनिंग. रेयरिंग ऑफ सिल्क मॉम फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर. और आगे सिल्क मॉथ से आपको पता है ना सिल्क के कीड़ा होता है और उससे आगे क्या बनता है सिल्क उसे बोलते हैं सेरिकल्चर. अब हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं. क्लॉथ्स आर मेनली यूज टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड हीट रेन एक्सेट्रा. क्लॉथ हमें कहाँ से बचाकर रखते हैं सर्दी से गर्मी से बारिश से. पीपल लिविंग इन डिफरेंट प्लेसेस वेयर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ्स डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस. अलग अलग जगह पे रहने वाले लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं जैसे कि उनका मौसम है वहाँ पे. अगर वहाँ पे सर्दी है तो गर्म कपड़े पहनते हैं अगर गर्मी है तो पतले और ठंडे कपड़े पहनते हैं. फॉर एग्जाम्पल जनरली पीपल इन गुजरात वियर कॉटन क्लॉथ एंड पीपल इन कश्मीर वियर वूलन क्लॉथ. अब देखो गुजरात में गर्मी है वहाँ पे लोग वहाँ के लोग क्या पहनेंगे कॉटन के कपड़े और कश्मीर में सर्दी है वहाँ के लोग कौन से पहनेंगे वूलन के कपड़े. द मटीरियल दैट वी यूज फॉर क्लॉथिंग इज कॉल्ड फैब्रिक. और कपड़े बनाने के लिए जो मटीरियल चाहिए होता है उसे क्या बोलते हैं फैब्रिक. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न मोर अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक देयर प्रॉपर्टीज एंड हाउ दे मेड. इस चैप्टर में हम अब क्या पढ़ेंगे अलग अलग तरह के फैब्रिक और उनकी प्रॉपर्टीज उनकी विशेषताएं पढ़ेंगे और ये कैसे बनते हैं. ठीक है नेक्स्ट पेज पे आते हैं. ये एक्टिविटी दी हुई है आप खुद कर लेना. इसमें है कि आपने अलग अलग तरह के थोड़े छोटे छोटे पीस लेने हैं फैब्रिक के और उन्हें पता करना है कि ये कौन सा है ये कौन सा है. टाइप ऑफ फाइबर. फाइबर आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स नेचुरल फाइबर और मैनमेड फाइबर. नेचुरल फाइबर कम फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल. ये हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं प्लांट से या एनिमल से. जूट वूल सिल्क कॉटन एंड लिनन आर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल फाइबर. जूट कम फ्रॉम दी जूट प्लांट. जूट कहाँ से मिलता है जूट के प्लांट से. वूल कहाँ मिलती है शीप से. सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म. सिल्क कहाँ से मिलती है सिल्क के कीड़े से. और कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट. कॉटन कहाँ से कॉटन के प्लांट से. एंड लिनन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लैक्स प्लांट. प्लांट फाइबर देखो आगे प्लांट फाइबर को भी डिवाइड किया गया है तीन कैटेगरीज में. नेक्स्ट पेज पे आते हैं. ये आगे है फ्रूट प्लांट स्टेम प्लांट और लीफ फाइबर. ठीक है ये है. नेक्स्ट है हमारी सेकेंड टाइप मैनमेड फाइबर. मैनमेड फाइबर कौन सी होती हैं जो हमें कहाँ से मिलती हैं. ओ देखो लेते तो हम नेचर से ही हैं चीज़ें लेकिन आगे इनको मैन बनाता है. ठीक है तो इन्हें कहा गया है मैनमेड फाइबर. और इन्हें सिंथेटिक फाइबर भी बोला जाता है. मैनमेड फाइबर इज ऑल्सो कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर. नाइलॉन रेयन एक्राइलिक एंड पॉलीएस्टर आर सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मैनमेड फाइबर. नाइलॉन की एग्जाम्पल है रेयन है एक्राइलिक है और पॉलीएस्टर ये इनकी मेन एग्जाम्पल्स हैं मैनमेड फाइबर की. दीज फाइबर आर मैन्युफैक्चर इन फैक्ट्रीज फ्रॉम सम केमिकल्स. ये कहाँ से बनती हैं कुछ केमिकल्स से बनती हैं फैक्ट्री में.
Until recent time, we mainly used natural fiber to make our cloth, ship sails, carpets, etc. In the last century or so, the use of man-made fibers are increased. देखो पहले तो ये बहुत कम यूज़ होती थी मैनमेड फाइबर्स, पहले तो ज़्यादा नेचुरली यूज़ की जाती थी, लेकिन आज के ज़माने की बात करें तो आज ज़्यादातर कौन यूज़ हो रही हैं मैनमेड फाइबर्स. नेचुरल फाइबर आर मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो नेचुरल फाइबर हैं वो हमें कहाँ कहाँ से मिलती हैं, प्लांट से, जैसे कि स्टेम से, बार्क से, उसके लीव से, उसके सीड से. एनिमल फाइबर, एनिमल से फाइबर कहाँ से मिलती है, उसके ऊपर हेयर होते हैं, या जैसे कि इंसेक्ट कोकून. नेक्स्ट पेज पे आते हैं कॉटन. कॉटन इज़ यूज टू मेक अ नंबर ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट, टी शर्ट्स, टॉवल, शर्ट्स, सूट्स, जीन्स, शॉर्ट्स, बेड शीट्स, पिल्लो कवर, एक्सेट्रा. देखो इतनी सारी चीज़ें बनती हैं कॉटन की, हमें पता है हमारे घर पे भी कितनी सारी चीज़ें हैं कॉटन की. कॉटन फाइबर आर सॉफ्ट एंड ड्यूरेबल, एक तो ये सॉफ्ट होता है और ये अच्छा हंडनसार है. दे आर कूल टू वियर, और पहनने में भी ठंडा है. कॉटन फाइबर आर गुड अब्जॉर्बेंट ऑफ वाटर, ये पानी को चूस लेता है. देयर फॉर ड्राई स्लोली, दे इंक्रीज ईजली. ठीक है. Where is cotton grown in India? कहाँ कहाँ cotton की खेती की जाती है? In India, cotton is grown in Maharashtra, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा एंड पंजाब. ये आप लर्न कर लेना. How is cotton obtained? कैसे उसको obtained किया जाता है? We get cotton from cotton plant, cotton के plant से. The fruit of cotton plant is called cotton balls, उन्हें क्या बोलते हैं, cotton balls. The cotton balls are white in color, ये white color की होती हैं और roughly spherical in shape, पूरी गोल नहीं होती, roughly सी होती हैं गोल. ठीक है, पूरी गोल नहीं होती. They are quite fluffy, और fluffy होती हैं, मतलब फुली फुली सी. वंस दी कॉटन बॉल्स आर मेच्योर, जब ये बड़ी हो जाती हैं, पूरी तरह से बाहर आ जाती है कॉटन, कॉटन बॉल से, दे ब्रस्ट ओपन, खुल जाती हैं. वी कैन सी दी सीड्स विद कॉटन फाइबर, और उसके साथ में उसके सीड भी होते हैं बीच में कॉटन के. दी सीड्स विद कॉटन फाइबर आर पिक्ड फ्रॉम कॉटन बॉल बाय हैंड, हैंड से अलग कर लिया जाता है. आफ्टर पिकिंग दे आर टेकन टू दी गिनिंग, उसके बाद उनकी गिनिंग प्लांट में लेके जाया जाता है. Where the fibers are separated from the seed by combing, वहाँ पे फाइबर को अलग किया जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, combing. The process of separating, देखो उस प्रोसेस को बोलते हैं combing. Next है the process of separating cotton fiber from the seed by combing is called ginning, उसको क्या बोलते हैं, ginning. Ginning was previously done by hand, nowadays, पहले ginning hand से की जाती थी, nowadays ginning machines called cotton gins, उन्हें क्या बोलते हैं, अब तो machines आ चुकी हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, cotton gins, are used for this purpose. Cotton gins is the short form of cotton engine, it is a machine used to separate cotton fiber from seed quickly and easily. ये क्या करती हैं अब ये मशीन, मतलब इजी, बड़े इजी मेथड से सीड को अलग कर देती हैं और कॉटन को अलग कर देती हैं. द सेपरेटेड सीड कैन बी यूज्ड अगेन टू ग्रो मोर कॉटन, और जो सीड अलग हो जाते हैं ना, उनको दोबारा भी हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब दोबारा उनको हमें बीज के दोबारा कॉटन के प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं. बट इफ़ दी सीड्स आर बैडली डैमेज, अगर वो ख़राब हो जाएँ तो फिर हम नहीं उनका यूज़ कर सकते. ये देख लो पिक्चर में बनी हुई है मॉडर्न कॉटन गिन. द फाइबर्स आर क्लीन्ड बाय मशीन टू रिमूव द इम्प्योरिटीज़ लाइक लीव्स, ट्विग्स, उसके बाद वो मशीन इम्प्योरिटीज़ को भी अलग करती है. इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो एक्स्ट्रा पत्ते वगैरह बीच में मिक्स हो जाते हैं. वंस द कॉटन फाइबर इज़ क्लीन, जब कॉटन साफ हो जाती है, इट इज़ स्पन इनटू यार्न, उसके बाद उसको स्पन किया जाता है, धागा बनाया जाता है. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर, इसको उसे क्या बोलते हैं, स्पिनिंग, स्पिनिंग बोलते हैं. स्पिनिंग का मतलब है उस कॉटन से आगे उसका थ्रेड बनाना. द यार्न इज देन वोवन टू मेक फैब्रिक, वीविंग इज डन बाय स्पेशल मशीन कॉल्ड लूम, उसके बाद क्या किया जाता है, उस धागे को एक स्पेशल मशीन के साथ आगे उसको वीव किया जाता है. स्पिनिंग ऑफ, देखो ये पिक्चर में बना हुआ है आपकी स्पिनिंग ऑफ कॉटन फाइबर, तो ऐसे उस मशीन को क्या बोलते हैं, लूम. ठीक है, ये आप देख सकते हैं. और बाकी चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वाला चैप्टर जो रह गया हमारा, तो आप ये पढ़ लेना अच्छे से, और कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना.